Hello everyone. Myself Dr. Dinesh Chand, Assistant Professor, Physiotherapy Department, NIMT Institute of Medical and Paramedical Sciences, Greater Noida. So guys, आज हम बात करते हैं स्पेसिफिकली दो कोर्सेज के बारे में पैरामेडिकल साइंसेज में. जब बात करते हैं एक कोर्स का नाम है BRDIT यानी कि जब रेडियोलॉजी में ग्रेजुएशन करते हैं एंड सेकेंड इज BPT बैचलर इन फिजियोथेरेपी. ओके, आज हम देखते हैं कि दोनों ही कोर्सेज में हम लोग क्या कंपैरिजन कर सकते हैं, किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं. ओके, सो लेट्स टेक वन बाय वन. जब आप BRDIT करते हो तो ये अब 4.5 साल का कोर्स हो गया है. ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम में आ गया है इसके अंदर. एंड आपके पास ऑप्शन होता है कि आप आफ्टर BRDIT अपने लैब्स ओपन कर सकते हैं, लैब्स में काम कर सकते हैं. अलग अलग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, सीटी स्कैन है, MRI है, एज अ टेक्नीशियन आप वहां पे फंक्शन कर सकते हैं. सो दिस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ जब आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं. ओके, कमिंग टू फिजियोथेरेपी, अगेन बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी 4.5 साल का कोर्स है, सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है. ऑलराइट, एंड आपके पास ऑप्शंस होते हैं जैसे कि जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल में, ऐसे ही एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है. अगेन आप फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में एज अ ऑफिशियल फिजियोथेरेपिस्ट काम कर सकते हैं. ओके, डिफरेंस इज के आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हैं फिजियोथेरेपी में एंड आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं. ओके, थोड़ा सा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगेन आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक उसके अंदर भी एडवांटेज होता है. बट और उसके साथ साथ ही आपको ये होता है कि एडवांस जिन्होंने MD वगैरह करी होती है रेडियोलॉजी में, एडवांस उस लेवल पे वो आपके पास होते हैं जिनके साथ आप फिर फर्दर आगे काम बढ़ाते हैं. ओके, नाउ अपॉर्चुनिटीज दोनों ही अच्छी है, दोनों में ही ऑप्शन अच्छे हैं. एक बस जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है तो थोड़ा सा फीमेल स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, दैट इज अ फैक्टर ऑफ रेडिएशन इन द वाइल टॉकिंग अबाउट द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट. ओके, तो क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है रेडिएशन के थ्रू एक्सरेज में, सीटी स्कैन में, MRIs में, तो वहां पे थोड़ा सा कंसिडरेबल डिफरेंस रहता है. स्पेशली व्हेन अ लेडी इज प्रेग्नेंट, ओके, तब बिल्कुल ही अवॉइड कर दिया जाता है कि वो दूर इस प्रोफेशन में या कोशिश करें कि बाहर लैब्स वगैरह में एक्टिव ना रहे. ओके, इन फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट ऐसा कोई रेडिएशन का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है. ऑलराइट, सो वी आर डीलिंग विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड एक्सरसाइज थेरेपी के ऊपर. तो अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, अब्रॉड में अपॉर्चुनिटीज दोनों ही फील्ड्स में होती हैं. ओके, हॉस्पिटल के अंदर दोनों ही डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छी ओपनिंग्स होती हैं. मल्टीपल नेशनल कंपनीज होती हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हैं. अपने पर्सनल लेवल पे आप अपने क्लिनिक और लैब दोनों को एस्टैब्लिश करके काम कर सकते हैं. राइट, एंड अपनी आगे करियर एस्पेक्ट्स कर सकते हैं. तो आई गेस अब आप डिसीजन आपके ऊपर है विच इज बेटर, बट आई गेस दोनों ही कोर्सेज में कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस दोनों ही हैं. थैंक यू.